हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑथेंटिक 365। तो आज की हमारी रेसिपी है पनीर टिक्का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में एक कप दही ले लें, एक टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वादानुसार, एक टेबलस्पून जीरा पाउडर, एक से डेढ़ टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और एक टीस्पून हल्दी डाल के इसे अच्छे से मिला लें। अब इसमें 4 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन दो पार्ट में डाल लें और अच्छे से मिला लें। अब ऊपर से थोड़ा सा जायफल पीस लें और इसे हल्का सा मिला लें। अब इसमें बड़े चौकोन आकार में कटे हुए पनीर के पीसेस डाल लें और अच्छे से मिला लें। मसाले अच्छे से पनीर में लग जाने के बाद अब एक प्याज को डाइस में काट ले और एक एक लेयर अलग करके डाल ले और इसे अच्छे से मिला ले। आखिर में एक शिमला मिर्च को भी डाइसेस में काट ले और इसे अच्छी तरह मिला ले। मसाले अच्छे से मिल चुके हैं। अब पनीर को आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए छोड़ दे। मैरिनेटेड पनीर को अब एक तंदूर स्टिक में डाल लेते हैं। सबसे पहले शिमला मिर्च, फिर एक प्याज, फिर पनीर, फिर प्याज, फिर शिमला मिर्च डाल लें। इसी सीक्वेंस में बाकी सारे पनीर के स्लाइसेस को भी लगा लें। तंदूर स्टिक्स को बारबेक्यू में रख के पनीर को अच्छे से रोस्ट कर लें। आप चाहे तो इसे सिगड़ी में या फिर तवे में भी बना सकते हैं। पनीर हल्का सा रोस्ट होने पर उसके ऊपर घी या तेल का ब्रशिंग करें। गर्मा गर्म पनीर टिक्का सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको ऑथेंटिक 365 की ये रेसिपी पसंद आई हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप कुकिंग, कीप स्माइलिंग।